आज समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मंथन करने जा रही है। अखिलेश यादव आज गठबंधन में शामिल दलों के साथ एक बैठक करेंगे, जहां गठबंधन में शामिल दलों के साथ ये सुबह 10:30 बजे बैठक रखी गई है। बैठक में शिवपाल यादव के आने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। वहीं सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर को बुलाया गया है। अपना दल कमेरा वादी की पल्लवी पटेल को इस बैठक में बुलाया गया है और महान दल के केशव देव मौर्य को भी इस बैठक में बुलावा भेजा गया है। तो इससे पहले जहां समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई थी और आज सहयोगियों के साथ बैठक करने जा रही है समाजवादी पार्टी, जिसमें पल्लवी पटेल से लेकर केशव देव मौर्य और देखना होगा शिवपाल यादव शामिल होते हैं नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये 4 दल हैं जिनके साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा है और आज इन्हीं सहयोगियों के साथ बैठक होगी। ये सहयोगी दलों के विधायक दल की बैठक है और सभी के साथ मंथन होगा, किस तरह से विपक्ष की बड़ी भूमिका निभाई जाए, कौन से मुद्दे होंगे और साथ ही यहाँ आकलन अवलोकन मंथन किया जाएगा चुनावी नतीजों का भी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विवेक ये बताएं कि क्या अभी भी सस्पेंस बना हुआ है या फिर कोई जानकारी मिली कि शिवपाल यादव पहुंचेंगे या नहीं सहयोगी दलों की बैठक में? बिल्कुल ननु, देखिए 10:30 बजे प्रस्तावित है बैठक, हालांकि संशय में है क्योंकि शिवपाल यादव इसमें नहीं आएंगे ये लगभग तय माना जा रहा है। राजेंद्र चौधरी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी डाउटफुल आंसर दिया था, जवाब दिया था जब उनसे पूछा गया। तो ये चूंकि शिवपाल यादव नाराज चल रहे हैं और मुलायम सिंह यादव से उन्होंने मिलकर इस बात की नाराजगी भी जताई कि उनको जो समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें नहीं बुलाया गया, उनकी सूचना भी नहीं दी गई, उनकी नाराजगी वाजिब है, लगातार उपेक्षा के शिकार हैं, वो उपेक्षित रहे हैं। तो आज वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि आज शपथ ग्रहण भी है और इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष है उसका चुनाव भी होना है, हालांकि समाजवादी पार्टी समर्थन कर चुकी है लेकिन सदन में मौजूद रहेगी, तो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक वहाँ रहेंगे, अखिलेश यादव खुद रहेंगे। ऐसे में 10:30 बजे का समय जो प्रस्तावित है बैठक का, वो हो सकता है कि कुछ विलंब हो जाए। कल भी यही हुआ था, दिन में सुबह 10:30 बजे बैठक रखी गई थी लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के चलते उसको शाम को रखा गया। शाम को उम्मीद ये भी थी कि शिवपाल सिंह यादव चूंकि दिल्ली में थे और वो लखनऊ आ जाएंगे और उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी कि वो बैठक में शामिल हो जाए, क्योंकि इसका मैसेज गलत जा रहा है। राजनीति में मैसेज ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैसेज गलत जा रहा था, कोशिश की गई लेकिन शाम को भी जब शिवपाल यादव नहीं आए और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया तो ये हुआ कि बैठक आज रखी जाएगी, यानी मंगलवार को 10:30 बजे प्रस्तावित है बैठक। होगी या नहीं होगी, शिवपाल सिंह आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि 10:30 बजे का समय वो समय है जब विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका समारोह चल रहा होगा, तमाम विधायक और जो बाकी बचे हैं करीब 60-70 विधायक बाकी बचे हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा होगा। तो ऐसे में ये 10:30 बजे से हो सकता है कि कुछ आगे खिसक जाए, हो सकता है शाम को हो। तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो भी ये कहने की स्थिति में नहीं है, उन्होंने एक सूचना तो दे दी कि 10:30 बजे बैठक होगी लेकिन वाकई में होगी और कितने लोग आएंगे, शिवपाल सिंह यादव आएंगे या नहीं आएंगे, इसको लेकर बड़ा झुलमुल उनका रवैया है। कई बातों पर विवेक बना हुआ है और 10:30 बजे तक का सूचना दे बिल्कुल इंतजार हम करेंगे और आपके माध्यम से ये जानकारी लेंगे कि क्या ये बैठक होगी और होगी तो कौन कौन इसमें पहुंचने वाला है। फिलहाल शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए आपका।